चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नाहिद हसन क्यों अभी जेल में हैं? क्यों उन पर गैंगस्टर एक्ट लगा है? जी, जन प्रतिनिधि हैं वो यहाँ के, तो जनता की आवाज उठाना उनका काम है। और जब जनता का इस सरकार में इतना उत्पीड़न हो रहा है और सुनवाई कहीं नहीं है, तो वो उनकी बात उठाने के लिए ही वो हर जगह अड़े हैं, लड़े हैं लोगों के लिए। इसी बनाम बीसी है चुनाव और 80% में हम रहेंगे, 20 में भाजपा जाएगी। 80% लोग जब खेती बाड़ी करते हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, तो 80 बनाम 20 रहेगा, क्योंकि इनकी तो पूंजीपतियों के ये तो 1% में ही आते हैं। सीसीए चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है फिर से, और आप भी हमारे साथ इकरा हसन जी हैं। इकरा हसन जो किराना विधानसभा के विधायक नाहिद हसन की बहन है, और नाहिद हसन को हाल ही में अरेस्ट किया गया है, जिसकी वजह से उनकी बहन इकरा इस कैंपेन को, उनके चुनाव प्रचार को लीड कर रही हैं। इकरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सीसीए में। इकरा जी, पहली चीज जो एक बड़ा सवाल जो सबको, ये सबके जहन में एक सवाल है, नाहिद हसन क्यों अभी जेल में है? क्यों उन पर गैंगस्टर एक्ट लगा है? काफी संगीन आरोप उन पर लगे हैं। लगभग 10 महीने पहले उन पर ये एक्ट लगाई थी, उन पर ही नहीं, मेरी मम्मी पे भी ये एक्ट लगाई गई है, जो कि बिल्कुल ही एक फेक मामला बुना गया है भाजपा की तरफ से। तो सिर्फ इसका पर्पस यही था कि वो चुनाव में ना रहें, उनको चुनाव से दूर करने के, अपने क्षेत्र से दूर करने के लिए उन पर ये मुकदमा चला। पूरे 10 महीने तक वो इलाके में नहीं आ सके, और अभी वो अपना नामांकन करने आए थे तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले सालों में देखा गया था कि कुछ प्रशासन के साथ भी उनकी लगातार किसी न कुछ मुद्दों पर टकराव रहा प्रशासन के साथ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, जन प्रतिनिधि हैं वो यहाँ के, तो जनता की आवाज़ उठाना उनका काम है। और जब जनता का इस सरकार में इतना उत्पीड़न हो रहा है और सुनवाई कहीं नहीं है, तो वो उनकी बात उठाने के लिए ही वो हर जगह अड़े हैं, लड़े हैं लोगों के लिए। यहाँ पे एक मसला हो गया था, एक सराय थी जहाँ पे 100-200 मकान थे, वो हमारे जितने ठेली वाले हैं उन लोगों के ज़्यादातर मकान थे, गरीब मजदूर लोग थे, तो वो तोड़ दिए गए। और कहा गया कि जितनी भी ठेली बाहर रोड पे चौक बाजार में लगती है, वो सारी ठेली अंदर लगाई जाए। इससे रोजगार पे फर्क पड़ रहा था लोगों के, अंदर जाकर कोई खरीदारी नहीं करता है। इसकी जोरों शोरों से नाहिद भाई ने इसका विरोध किया था और इसकी आवाज उठाई थी, जिसके बाद उन पर काफी सरकार का शिकंजा कसा गया। और इसी तरह के सारे मुद्दे हैं, उनकी कोई निजी संपत्ति की या कोई इस तरह की कोई लड़ाई नहीं है, जनता की लड़ाई करी उन्होंने, जनता के लिए आवाज उठाई और जो सरकार को पसंद नहीं आई। इकरा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि अभी अचानक मेन स्ट्रीम मीडिया पर, कुछ चैनलों पर उन पर अचानक नए किस्म के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, दंगाई और पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है, उसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई है। 2013 में जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, मुजफ्फरनगर हमारे इलाके से लगता हुआ इलाका है, लेकिन उस टाइम भी, सबसे पहले मैं ये कहूँगी, कैराना में उस टाइम भी अमन रहा था, यहाँ पर दंगे का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था, बल्कि लोगों ने सहायता करने का काम किया था, जो भी दंगा पीड़ित लोग थे उनका। तो हमारे ही क्षेत्र के इलाके के आसपास के जो भाजपा के नेता थे, उन्होंने ही दंगा भड़काने का काम किया था, तो इसकी सारी जानकारी हर जगह उपलब्ध है। अब वही लोग हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही बेबुनियाद और बहकाने की बात है। कैराना की जनता जानती है कि दंगे किसने करवाए और किसने लोगों को बसाने का काम किया, तो ऐसे आप अगर ऑन ग्राउंड जाके पूछेंगे, जो हकीकत है वो इनकी कहानियों से बहुत अलग है। एक चीज़ बताइए, ये जो पूरा चुनाव है, कहीं ना कहीं आप नाहिद हसन का चुनाव प्रचार लीड कर रही हैं, आपके लिए मुश्किल समय भी होगा, क्योंकि आपके भाई जेल में हैं, आपकी मदर पर भी गैंगस्टर है जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ पा रही हैं, कैसे आप इसको हैंडल कर रही हैं, कैसे डील कर रही हैं?
मुश्किल तो ज़रूर है क्योंकि मैंने इतनी जिम्मेदारी का काम नहीं उठाया था इससे पहले। मैंने प्रचार किए हैं पहले भी, लेकिन इस बार चेंज ये है कि मेरे को लीड करना पड़ रहा है, सभी कुछ सारी ही जिम्मेदारी आ गई है। तो बहुत मुश्किल का टाइम है, लेकिन हमारी लड़ाई भाजपा से है और जितना भी दम होगा उनसे एंड तक लड़ेंगे। इकरा, मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगा, किन मुद्दों पर आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? एक तरफ ये जरूर है जो आप कह रहे हैं कि आपके परिवार के ऊपर जिस तरह से एक शिकंजा कसा गया है, लेकिन उसके अलावा किन मुद्दों पर आप ये प्रचार लड़ रहे हैं? क्या मुद्दे आपको लगता है यहाँ लोगों के हैं जिनके साथ आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? मुद्दे तो यहाँ पर डेवलपमेंट के काफ़ी हैं, बेरोजगारी काफ़ी है। तो ये जो पूरा पलायन का इन्होंने ड्रामा बनाया है, पहले भी 2017 में इन्होंने ये मुद्दा उठाया था, और ये जो पलायन का मुद्दा है, भाजपा के जो नेता हैं हमारे क्षेत्रीय और जो सरकार भी है, वो रीड करने में उनकी उन्हें उनसे हो नहीं पाया है, क्योंकि जनता के बीच रहेंगे नहीं तो मुद्दे समझ में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के काफी लोग पानीपत जाते हैं काम के लिए रोजाना, तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जिसकी 2017 में जब समाजवादी पार्टी की रैली हुई थी चुनाव के दौरान, तो तब अखिलेश यादव जी प्रॉमिस भी करके गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार नहीं बन पाई। तो इस बार अगर सरकार बनती है तो हम उस प्रॉमिस को फुलफिल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए ही, रोजगार नहीं है इसीलिए लोग बाहर जाते हैं। इकरा जी, एक चीज मुझे बताइए कि यहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि ज्यादातर पश्चिम यूपी में बोला जाता है कि चुनावी मुद्दे थाना और कचहरी तक सीमित हो जाते हैं, क्या आप कोशिश कर रही हैं और कैसे ये हो सकता है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं जिसकी आपने बात करी, रोजगार के मुद्दे हो, या अगर हम देखें तो यहाँ महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ निम्न शिक्षा का भी बहुत अभाव है महिलाओं में खास करके, और आप खुद एक महिला हैं, क्या आप इन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही हैं? क्या थाना कचहरी से आगे यहाँ पर मुद्दे अब जा पाएंगे? बिल्कुल, यहाँ पर जनता भी ये बात समझ चुकी है कि ये जो थाना कचहरी में उलझा के रखते हैं लोगों को, भिड़ाने से ऐसा होता है, और भाजपा का काम यही है, वो लोगों को भिड़ाती है और ताकि लोग डेवलपमेंट की बात करें ही नहीं, आगे बढ़ने की बात करें ही नहीं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर अचानक से आकर गिर गई और मैं यहाँ पर थी भी नहीं, मैं अभी लौटी हूँ। तो अब आगे आने वाले टाइम में हम सारे ही मुद्दों कि हमें जानकारी होती जा रही है और हम कोशिश करेंगे कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों पे ही बढ़ चढ़ कर काम करें। ये सवाल जरूर पूछूंगा, महिला सशक्तिकरण का जहां तक सवाल है, ये मुद्दे कहीं ना कहीं पश्चिम यूपी की राजनीति से लगभग गायब ही हैं। यहां पर अगर कैराना में ही हम देखें तो महिलाओं के बीच में शिक्षा का भी बहुत अभाव है, क्या इन मुद्दों को लेकर आप? बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि एक दो जगह हमने कहा भी है कि हम डिग्री कॉलेज खुलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सब बड़ी योजनाओं के काम होते हैं, तो सरकार आएगी तभी हम उसको करवा पाएंगे। तो बस अभी फिलहाल तो फोकस यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि सरकार बदली जाए, और सरकार बदली जाएगी तो सबसे ज़्यादा काम इन्हीं तीन एरियाज में हम करने की कोशिश करेंगे। किसान आंदोलन का एक बहुत ऐतिहासिक किसान आंदोलन अभी ख़त्म हुआ है कुछ देर पहले, 2-1 महीने पहले, आप उसका क्या असर इस चुनाव में देख रहे हैं? ये जो पलायन का इन्होंने मुद्दा उठाया है और दोबारा से जो पोलराइज करने की कोशिश है, ये भाजपा की यही साजिश है कि लोग किसान आंदोलन के मुद्दे को ध्यान ना दे पाएं और इस मुद्दे में कहीं ना कहीं खो जाएं। तो उन्होंने कैराना को जो इतना हाइप कर रखा है, वो इसीलिए कर रखा है ताकि किसान आंदोलन का मुद्दा हम भूल जाएं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हमारे इधर सभी किसान, ज़्यादातर किसान लोग हैं, तो सभी को पता है कि ये कितनी झूठी और ना सुनने वाली सरकार है, तो इनके जो टीवी के ड्रामे हैं वो टीवी तक ही सीमित रहेंगे, ग्राउंड पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम विभाजन की बहुत कोशिश फिर से की जा रही है, 80 बनाम 20 के नारे भी दिए जा रहे हैं, कितना सफल होगा ये? 80 बनाम 20 ही है चुनाव, और 80% में हम रहेंगे, 20 में भाजपा जाएगी, और क्योंकि यहाँ पे 80% सब ज्यादातर किसान है या फिर किसान उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, तो फिर 80% लोग जब खेती बाड़ी करते हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, तो 80 बनाम 20 ही रहेगा, क्योंकि इनकी तो पूंजीपतियों के ये तो 1% में ही आते हैं, 20 भी मैं नहीं कहूंगी, यहाँ से बिल्कुल इनको निकालने का काम करेंगे। इकरा जी, आप हमारे साथ अपने बहुत ही व्यस्त प्रचार के बीच में जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़े रहे,
यूपी की चुनावी चर्चा आप तक हम लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।